उसी का भाई खनन पटना का लीज लेगा, उसी का प्रतिनिधि खनन पटना का लीज लेगा, उसी का प्रेस सलाहकार खनन पटना का लीज लेगा, जिस तरह से ग्रोह बना करके झारखंड के कुछ संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए रामगढ़ को लूटे नहीं, जो लूटना था तीन साल तीन वर्षों तक लूट चुका है। कोयला लूटा, बालू लूटा, पत्थर लूटा, लोगों का चैन लूटा, लोगों का मतलब जीवन लूटा। अब क्या लूटना चाहता है, किस मुंह से? और आज इस प्रकार से पूरा हाहाकार पूरे राज्य में मचा हुआ है। व्यापारी वर्ग तबाह है, सारा दुकानदारी बंद करके बैठा हुआ है। जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे तो गांव में जब बाजार लगता था कृषि बाजार समिति से, उस टैक्स को माफ करने का काम किया था। एक एक माता बहन उनको आशीर्वाद दे रही थी कि जब टोकरी में लेकर के माता बहन आती थी बाजार, तो मासूलदार उससे टोकरी पकड़ कर मासूल लेता था सामान बेचने से पहले। रघुवर जी समझे कि माता और बहनों का किसान का जीना दुभर हो गया। जिसने सबसे पहला काम किए कृषि बाजार समिति से जो टैक्स लिया जाता उसको बंद करने का काम किया था। लेकिन लूटने वाली सरकार जानता है कि 2% हम टैक्स बढ़ाएंगे तो पदाधिकारी लूटेगा और फिर पैसा ला करके किसको देगा? मुख्यमंत्री को देगा, संबंधित मंत्री को देगा। इसलिए तबाह करने का ही काम कर रहा है। इसलिए इसे तबाह करना लोगों को ये अवसर है, मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, उनको उसकी ताकत दिखाने की आवश्यकता है कि तुम ताकतवर नहीं हो, जनता के बल पर तुम मुख्यमंत्री बना है, लेकिन जनता के साथ अन्याय अत्याचार करने का तुम काम कर रहा है। हर क्षेत्र में अन्याय अत्याचार हो रहा है, फिर हुआ, फिर झूठ बोलेगा, बोलेगा हम कृषि टैक्स माफ कर देंगे। हो सकता है क्योंकि झूठ बोलने में लोगों को PhD है, महारत हासिल है, फिर चुनाव बीतेगा, फिर अपना गिरगिट की तरह रंग बदल करके फिर अपना काम कर लेगा। इसलिए चुनाव के माध्यम से इसको बदलाने की आवश्यकता है कि झारखंड की जनता अमन चैन चाहती है, झारखंड की जनता गुंडागर्दी नहीं चाहती है, झारखंड की जनता विकास चाहती है, झारखंड की जनता उग्रवाद नहीं चाहती है, झारखंड का जनता अमन चैन चाहती है, झारखंड की जनता माँ बेटी बहन का सम्मान चाहती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।